हमारे बीच में एक युवा साथी और हैं, आपका नाम? मेरा नाम गौरव चौधरी है। गौरव चौधरी मेरठ से हैं। आप मेरठ से? गौरव चौधरी जी, आपके यहाँ आने का क्या कारण है, क्या मकसद है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, जो भी यूथ का कोई भी छात्र राजनीति करने वाला अगर अपनी बात या प्रोटेस्ट करता है या कोई समाज के मुद्दों की कोई ऐसी बात रखता है तो उसकी आवाज़ दबाने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। आप देख लीजिए, अगर हार्दिक पटेल जो गुजरात के नेता हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने आरक्षण को लेकर, अपने बिरादरी को इकट्ठा करके, अपने लोगों के बीच कोई बात रखनी चाहिए तो उन पर अरासुका लगा दी गई, उन्हें जेल भेज दिया गया। जिग्नेश मेवाणी, आप ये देख लीजिए, जिन्होंने बात रखी समाज की, बात रखी नौजवान की, छात्र की, बेरोजगार की बात रखी, 2 करोड़ के जो रोजगार का वादा था वो कहाँ दे पाई है सरकार? अगर कोई ये बात, मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से भी, किसी भी नौजवान, अगर कोई नौजवान अपनी बात सरकार के समक्ष रखेगा तो उस पर रासुका लगा दी जाएगी, तमाम तरह की धारे लगाए जाएगी, क्योंकि ये लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है, जिसे नौजवान होने नहीं देंगे, चाहे खून पसीना कुछ भी बहाना पड़े नौजवानों को, लेकिन संविधान को ख़त्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो आप देख ही रहे हैं, नहीं है ये आप देख रहे हैं, सबका कैसा साथ है और सबका कैसा विकास है। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमने अभी किसान आंदोलन चला रहे हैं, हम किसान आंदोलन चला रहे हैं, हमें खुद पता है, हमने वहाँ पर किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। मेरठ के आसपास के मीलों को देख लीजिए, ये वादा करते हैं किसानों के लिए, हमने किसानों का काम किया है, किसानों के भुगतान नहीं हो पा, हमने कर्ज माफी को उठा करके, माने मुख्यमंत्री योगी जी जब मेरठ में आए थे 18 नंबर को, हमने सिर्फ लोकतंत्र के हिसाब से खड़े होकर ये पूछना चाहा कि आप जो किसानों के भुगतान की मंच पर खड़े होकर बात कर रहे हैं या कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, कर्ज माफी हो कहाँ पाई है? आपने सीमांत और लघु किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था कि अगर आप यूपी में देखें, लघु और सीमांत 92.5% लघु और सीमांत किसान है, 2,35,00,000 लघु और सीमांत किसान है, आप कितने लोगों का, 11 लाख का भी, आप 11 लाख के खुद सरकारी आंकड़े हैं, 11 लाख लोगों का कर्ज आप माफ नहीं कर पाए हैं। आप कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सब जाति विशेष में बांट रहे हैं, धर्म जाति में बांट रहे हैं, धर्म जाति दिखाकर एक दूसरे भाइयों को भाई लड़ा रहे हैं, कैसा आपका सबका साथ सबका विकास है? ये झूठ जो है 4 साल से चल रहा था, बिल्कुल नहीं चलेगा। देश का नौजवान रोजगार जिसे नहीं मिला वो बेरोजगार जाग चुका है, और आज लोगों को आपने देखा होगा, मैं तो कहूँ मीडिया साथियों से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया को तो हमेशा विपक्ष में रहना चाहिए, जब सरकार कोई गलत काम कर रही हो तो मीडिया सबसे ताकतवर कौन होता है? मीडिया होती है। और मीडिया के बलबूते ही नौजवान चलते हैं, लेकिन तमाम टीवियों पर दिखा क्या रहे हैं कि परमिशन नहीं है, जब परमिशन लेटर दिया गया तो सरकार मनचाहा अपना रही है कि लोकतंत्र में कोई लोग इकट्ठा होकर कुछ कोई अपनी बात नहीं रख सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो तमाम देश में बोल दीजिए ना मोदी जी आकर कि कोई भी हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा, बीजेपी के आरएसएस के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, नहीं उसकी जबान खींच ली जाएगी, ऐसा बोल दीजिए, कोई नहीं आएगा, हिम्मत नहीं है बोलने की, ताकत नहीं है बोलने की, केवल डराना जानते हैं, और नौजवान डरेगा नहीं, ये मैं कह देना चाहता हूँ सभी अपने नौजवान साथियों से।